उज्जैन पुलिस ने शहर में हो रही लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपी महिलाओं को निशाना बनाकर लूट की घटना को अंजाम देने का काम कर रहे थे। उज्जैन के माधव नगर थाना और चिमनगंज थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को हिरासत में लेने में पुलिस टीम को सफलता मिल गई है। 2 और 7 मई को आरोपियों के द्वारा 3 महिलाओं को निशाना बनाकर लूट की वारदात की गई थी। पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीम ने तभी से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने लूट के माल सहित 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। हमारी पूरी टीम ने लगातार कुछ फुटेज के आधार पर करीब 125 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों को लाकर के पूछताछ की और फाइनली बलराम और उदित नाम के व्यक्तियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने इन वारदातों को करना स्वीकार किया और उनके पास से घटना में लूटे गए महिला का बैग, उनका मोबाइल फ़ोन, उनके घर की चाबियां और दोनों चेन बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।